Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this is my email ID. And this time I am going to discuss with you a very important theory of motivation, that is attribution theory of motivation. And the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for you for your various competitive teaching examinations as well as for your regular BA, BEd and MA, MEd courses. सो लेट्स स्टार्ट एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ने जा रहे हैं. देखिए हम लोगों ने मोटिवेशन थ्योरी सारी हम जितनी मतलब कॉमन थ्योरीज हैं ये भी पॉपुलर है पढ़ चुके हैं, जिसमें मैकलीलैंड है आपका आपका मैस्लो की थ्योरी है और भी कई इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं. लेकिन कई बार एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पे भी सवाल पूछा जाता है या इस तरह से पूछते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉजल एट्रीब्यूशन एंड मोटिवेशन, है ना, कि कॉजल एट्रीब्यूशन और मोटिवेशन में एट्रीब्यूशन को वैसे एट्रीब्यूट आप हिंदी देखेंगे तो गुण निकल के आएगा उसका. साइकोलॉजी में एट्रीब्यूशन का क्या मतलब ये आपको भी बताती हूँ. तो ये एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, इसके बिना आपका मोटिवेशन का कंसेप्ट कंप्लीट नहीं है, इससे सवाल पूछे जाते हैं तो आपको समझना जरूरी है. तो एट्रीब्यूशन है क्या, साइकोलॉजी में क्या मतलब है एट्रीब्यूशन से. तो इन साइकोलॉजी द वर्ड एट्रीब्यूशन रिफर्स टू द इन्फरेंस मेड अबाउट द कॉजेज बिहाइंड एन इवेंट और बिहेवियर. यानी कि मनोविज्ञान में एट्रीब्यूशन से एट्रीब्यूशन को एट्रीब्यूशन ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है. एट्रीब्यूशन शब्द से ये मतलब है कि किसी भी इवेंट मतलब कोई भी घटना या किसी व्यवहार के पीछे के कारणों के इन्फरेंस निकालना कि ये क्यों हुआ. A wide body of research indicates that the formation of causal attributions is vital for adapting to changing environments and overcoming the challenges we are confronted within our daily lives. वो कह रहा है कि बहुत सारा जब रिसर्च किया गया तो उसने ये पाया कि कॉजल एट्रीब्यूशन मतलब हम कारण ढूंढते हैं कि कोई घटना क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, ये बहुत वाइटल है, ये बहुत जीवंत है, ये जरूरी है. किसके लिए, कि हमारे दैनिक जीवन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, जो एनवायरनमेंट बदल रहा है उसके प्रति हम कैसे अनुकूलित होते हैं. और आपको पता है कि अनुकूलन की क्षमता एक बुद्धिमत्ता की माप है. When we experience desirable outcomes, जब हमको वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं, मतलब वांछित हमको परिणाम जब मिलते हैं, जब हम वांछित परिणामों का अनुभव करते हैं, attributions help us understand what caused those events so we can experience them again. तो ये जो attribution है, ये जो पीछे का हमने कारण के पीछे का inference निकालना है कि अच्छा ये ऐसे हुआ होगा, तो वो हमको बताता है कि हम समझ जाते हैं कि चूंकि डिजायरेबल आउटकम मिला, हमको पीछे का एट्रीब्यूशन पता है, कारण पता है ये घटना क्यों हुई है, तो हम फिर उसी को दोहराने की कोशिश करेंगे. और व्हेन वी एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट आउटकम, तो हम और जब हमको वो मिलेगा जो हम नहीं चाहते हैं, कुछ दुखद मिलेगा, कुछ असुखद मिलेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूशंस हेल्प अस आइडेंटिफाई. तो एट्रीब्यूशन ही हमको बताएगा कि वो कौन से कारण है जिनकी वजह से ये हुआ, तो हम उनको अवॉइड करेंगे. द बिहेवियर्स एंड अदर फैक्टर्स दैट कॉज देम टू अकर, तो वो कारक या वो व्यवहार जिनकी वजह से हमको अनप्लीजेंट आउटकम मिला है हम उसको अवॉइड करेंगे. ओके, तो जो एट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है वो कहता है कि तीन स्टेज को ये फॉलो करता है. थ्री स्टेज प्रोसेस अंडरलाइज एन एट्रीब्यूशन, किसी भी एट्रीब्यूशन के पीछे तीन चरण के प्रक्रिया होती है. कौन कौन सी, पहले वो ये बी था, बी ई, बिहेवियर मस्ट बी ऑब्जर्व या परसीव. सबसे पहली बात कि हम व्यवहार को पहले ऑब्जर्व करें, प्रेक्षित करें, तब तो हम उसके पीछे के कारण देखेंगे. बिहेवियर मस्ट बी डिटरमाइंड टू बी इंटेंशनल, और व्यवहार का मतलब ये सुनिश्चित करें कि हम जानबूझ के इंटेंशनली उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं. एंड बिहेवियर एट्रीब्यूटेड टू इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज, और जो व्यवहार है हम उसको जोड़ेंगे किससे, कि कौन से आंतरिक या बाह्य कारण हैं जिनकी वजह से वो व्यवहार हो रहा है. तो ये एट्रीब्यूशन से मतलब कि कुछ भी हो रहा है, जो भी आपके संग घटित हो रहा है उसके पीछे के कारणों का इन्फरेंस लगाना, उनके कारणों के पीछे का पता लगाना, आइडेंटिफाई करना. इन्फरेंस माने तो प्रेडिक्शन होता है, कि प्रेडिक्ट कर लेना कि ये क्यों हुआ, और अगर अच्छा हुआ तो हम उसको दोहराने की कोशिश करेंगे, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम उन कारणों को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे. और वीनर्स एट्रीब्यूशन थ्योरी, जब एट्रीब्यूशन थ्योरी का नाम आता है तो वीनर का नाम आता है. वैसे हीडर जो थे 1958 में, उन्होंने वाज द फर्स्ट, उन्होंने सबसे पहले टू प्रपोज ए साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन. तो उन्होंने आपका ये गुण सिद्धांत, जो प्रेरणा का गुण सिद्धांत दिया था मनोविज्ञान का, सबसे पहले उन्होंने ही प्रपोज किया था. लेकिन वीनर एंड कलीग्स डेवलप्ड ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट हैज बिकम ए मेजर रिसर्च पैराडाइम ऑफ सोशल साइकोलॉजी. देखिए ये जो आपकी एट्रीब्यूशन थ्योरी है वो सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत आती है. क्यों, क्योंकि इसमें कॉग्निशन के साथ साथ इमोशन और सोशल आपकी सराउंडिंग की भी बात की जाती है, इसलिए ये प्योर साइकोलॉजी में नहीं बल्कि सोशल साइकोलॉजी में पढ़ी जाती है. ओके,
तो मतलब हीडर ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया, पर वीनर ने अपने कलीग्स के संग एक ऐसा रिसर्च फ्रेमवर्क बनाया जिस पे बहुत बात की जाती है, जो बहुत पॉपुलर हुआ। फिर अच्छा, मोटिवेशन क्या है, हम सब जानते हैं मोटिवेशन क्या है, वो मोटिव जिसकी वजह से हम कोई काम करते हैं। मोटिवेशन इज द साइकोलॉजिकल स्टिमुलस दैट डायरेक्ट्स पीपल टू एक्ट इन अ सर्टेन वे टू अचीव देयर इंडिविजुअल गोल्स। यानी कि प्रेरणा वो आपका मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरण है, उत्प्रेरक है, स्टिमुलस है आपके लिए, जो आपको डायरेक्ट करता है कि आप एक निश्चित दिशा में अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करें। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बर्नार्ड वीनर ने कहा, स्टेटेड इट मोर सक्सिंक्टली व्हेन ही रोट, इन्होंने और स्पष्ट किया इसको और लिखा कि मोटिवेशन इज द स्टडी ऑफ व्हाई पीपल थिंक एंड बिहेव एज दे डू। तो अभिप्रेरणा किसका अध्ययन है, इस घटना का अध्ययन है कि लोग क्यों सोचते हैं, व्हाई पीपल थिंक एंड बिहेव एज दे डू। मतलब वो जो करते हैं उसके पीछे उनकी क्या सोच होती है, क्या व्यवहार होता है, क्यों वो कोई काम करते हैं, क्यों वो कोई काम नहीं करते हैं, यही मोटिवेशन, इसी का अध्ययन है। Although many theories on motivation exist, Wiener focused on the link between motivation and behavior attribution. यद्यपि बहुत सारी theories हैं, सिद्धांत हैं जो अभिप्रेरणा पे बनाए गए हैं, लेकिन वीनर ने किस पे फोकस किया, उन्होंने फोकस किया उस लिंक पे, वो जो जो संधि है, वो जो जुड़ाव है किसके बीच में, मोटिवेशन और बिहेवियर एट्रीब्यूशन। यानी कि कोई कारण, कोई घटना हो रही है, उसके पीछे के कारण और मोटिवेशन में क्या सहसंबंध है, ये बताया है वीनर ने। तो वीनर ने क्या बताया, वीनर सजेस्ट दैट एन इंडिविजुअल्स कॉजल एट्रीब्यूशन ऑफ इवेंट्स दैट हैपन विल इफेक्ट देयर मोटिवेशन फॉर देयर सबसीक्वेंट बिहेवियर्स। वो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई घटना क्यों हो रही है, उसके पीछे के कारण को वो मोटिवेशन से जोड़ता है, यही इफेक्ट करता है, ये प्रभाव डालता है कि कोई व्यक्ति किस काम के लिए मोटिवेट होगा और उसके आगे के व्यवहार कैसे होंगे। One of the most important assumptions in this theory is that an individual will subconsciously establish a causal relation या attribution that maintains a positive self-image. और इसका जो सबसे important मूलभूत सिद्धांत है, इसकी मान्यता है, वो ये है कि इंडिविजुअल जो है, हम जो है अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली अपने अर्ध चेतन में, अचेतन में एक एक सहसंबंध स्टैब्लिश कर लेते हैं, एक एक कारण और प्रभाव का सिद्धांत, एक प्रभाव का संबंध डिस्कस कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, जिससे कि हमारी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बने। मतलब कि अभी आप आगे समझेंगे कि हम वो काम करना चाहते हैं जिससे हम अपने आप, अपने बारे में अच्छा फील कर सकें, हमारी इमेज अच्छी बने, हम इस तरीके का कॉजल रिलेशन ढूंढते हैं। Attribution theory holds that attributes for these behaviors and outcomes ultimately help to shape emotional and behavioral responses. और ये जो आपकी एट्रीब्यूशन थ्योरी है, ये बताती है कि वो जो व्यवहार है, जो आउटकम है, जो निकल के आ रहा है, उसके पीछे जो गुण है, एंड आउटकम्स अल्टीमेटली हेल्प टू शेप इमोशनल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्सेज। यानी कि हमारा जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया है और हमारी जो सांवेगिक प्रतिक्रिया है, वो कैसे आकार लेती है, वो एट्रीब्यूशन थ्योरी ये बताता है कि कौन से एट्रीब्यूट किस काम के लिए जिम्मेदार होंगे। अब इसी को समझते हैं। एक ये और देख लीजिए, रूट्स ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी कहाँ से निकल के आया है। रूट्स ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी, एट्रीब्यूशन थ्योरी इज रूटेड इन द वर्क ऑफ कर्ट लीविन। हम लोग कर्ट लीविन के बारे में जानते हैं, जॉन एटकिंसन, फ्रेड्स हीडर, हीडर के ही काम पे इन्होंने बनाया, केली और बर्नार्ड वीनर, इन लोगों के काम पे आपका ये एट्रीब्यूशन थ्योरी बेस्ड है। एट्रीब्यूशन थ्योरिस्ट इन्वेस्टिगेट द परसेप्शन ऑफ कॉजैलिटी और द जजमेंट ऑफ व्हाई ए पर्टिकुलर इंसिडेंट अकर्ड। पूरा इसका लेना देना इस बात से है कि कोई घटना क्यों होती है, उसके पीछे के कारण को हम कैसे परसीव करते हैं, हमने कैसे अनुभव किया है। द एलोकेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनिफेस्टली गाइड सब्सिक्वेंट बिहेवियर। और ये जो हमने कारण जोड़ लिया कि कोई घटना क्यों हुई, उसके पीछे का क्या कारण है, यही गाइड करता है कि हम आगे कैसा बिहेव करेंगे। Wiener's attributional analysis of achievement behavior is the most comprehensive theoretical model about the influences of attributions on cognitive processes, effect and behavior. ये आपको खास बात ध्यान रखनी होगी, इफेक्ट से क्या आ गया, इमोशन आ गया आपका, यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस, इमोशन और बिहेवियर, इन तीनों की बात वीनर ने की है। Wiener's 1986 model incorporates a cognition emotion action process. मतलब आपका उसमें cognitive भी, cognition यानी mind या brain processes भी involved हैं, emotions भी involved हैं और आपका action या behavior भी involved है। Attribution theory addresses how cognition and emotion together influence people's behavior. यानी कि ये जो गुण का सिद्धांत है प्रेरणा का, वो ये बताता है कि कैसे आपका संज्ञान और आपके संवेग मिलके लोगों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी हम जो व्यवहार करते हैं उसके पीछे हमारा संज्ञान भी जरूरी है, हमारा संवेग भी लगता है, तब हम जाकर कोई व्यवहार करते हैं। अब जब आप डायमेंशन पढ़ेंगे, यस, तब आप समझ पाएंगे एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है। तीन डायमेंशन की, कहीं कहीं ग्लोबैलिटी की भी, ग्लोबैलिटी, हाँ, ग्लोबल इफेक्ट की भी बात की गई है, पर जनरली यही तीन चलते हैं। आप जहां ढूंढेंगे, सर्च करेंगे किताबों में, आर्टिकल्स में, आपको यही तीन मिलेगा। कौन कौन से डायमेंशन है एट्रीब्यूशन के, तीन आयाम की बात कर रहा है।
लोकस ऑफ कंट्रोल कहीं कहीं कहा है, कहीं कहीं कहा है लोकस ऑफ कॉजेलिटी, यानी कोई घटना क्यों हो रही है उसकी कंट्रोल उसका इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। फिर स्टेबिलिटी डायमेंशन, जो घटना हो रही है वो ऐसी क्षणिक हो गई है या वो स्टेबल है और आगे भी होगी। और कंट्रोलेबिलिटी डायमेंशन, यानी कि जो घटना हो रही है उसके पीछे आपका नियंत्रण है कि नहीं है। समझिए, लोकस ऑफ कॉजेलिटी या लोकस ऑफ कंट्रोल क्या कहता है, रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ हाउ मच कंट्रोल दे हैव ओवर देयर लाइफ्स। वो ये देखते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल इस तरह से परसीव करता है कि कोई भी घटना अगर उसकी जिंदगी में हो रही है तो वो किस कारण से हो रही है, मतलब आंतरिक कारण से हो रही है कि बाह्य कारण से हो रही है। तो टू टाइप्स ऑफ लोकस हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। फर्स्ट एट्रीब्यूशन कैन बी क्लासिफाइड अलोंग द डायमेंशन ऑफ लोकस ऑफ कॉजलिटी विच डिस्क्राइब्स द इंटरनैलिटी और एक्सटर्नैलिटी ऑफ एन एट्रीब्यूशन। बात समझ में आ गई कि गुण जो है वो किस कारण से हो रहे हैं, कोई आंतरिक कारण है, आंतरिक यानी आपके मन के अंदर, यानी कि आपकी एबिलिटी, आपका एफर्ट, ये सब कैसे कारण है, आंतरिक कारण है। बाह्य कारण क्या है, जैसे लक हो गया, ये सब बाह्य कारण है। तो फॉर एग्जाम्पल समझिए, इफ ए फिजिशियन मिस डायग्नोसिस ए पेशेंट एंड एट्रीब्यूट दिस मेडिकल एरर टू हिज केयरलेसनेस, ही इज मेकिंग एन इंटरनल एट्रीब्यूशन। मान लीजिए कि कोई फिजिशियन है और उसने किसी पेशेंट को मिसडायग्नोस किया, मतलब गलत डायग्नोसिस कर ली उसकी बीमारी की, और वो अपनी इस मेडिकल एरर को ये समझे कि अरे मुझसे गलती हो गई, केयरलेस में रहा या रही, इस वजह से ये गलती हुई, तो वो किस तरीके का गुण जोड़ रहा है, आंतरिक, क्योंकि केयरलेसनेस आपका इंटरनल कंट्रोल है, उस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगली बार मैं ये गलती नहीं करूंगा ताकि मैं किसी पेशेंट को मिसडायग्नोस ना करूं। If the same, अगर यही घटना है किसी और फिजिशियन के संग हुई, उसने भी किसी पेशेंट को मिसडायग्नोस किया, लेकिन उसने उसका एक्सटर्नल कॉज ढूंढा, जैसे if the same is attributed to faulty laboratory results, अगर गलत लेबोरेटरी के रिजल्ट आए हैं, इवन दो the patient symptoms contradicted the lab results, और जो पेशेंट के सिम्टम हैं वो लैब रिजल्ट से एकदम कंट्राडिक्शन में है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, विरोधाभास में है, द फिजिशियन इज मेकिंग एन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। तो फिजिशियन किस तरीके का एट्रीब्यूशन लगाएगा कि अच्छा मैंने तो सब सही किया, उसको डायग्नोज सही किया, सब सही किया, लेकिन लेबोरेटरी का रिजल्ट उल्टा आया, गलत आया, किसी और पेशेंट का सैंपल लग रहा है, चेक हो गया, तो ये क्या है, उस घटना का एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। समझ में आई? तो इस तरह से हमारी जिंदगी में जो भी घटनाएं होती रहती हैं, हम उनको या तो उनका कारण ढूंढते हैं कि ये क्यों हुआ, तो या तो वो इंटरनल हो सकता है, आपकी गलती, आपका एफर्ट कम रहा, आप में एबिलिटी नहीं है इसलिए, या दूसरा मतलब बाहर का एक्सटर्नल। तो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो द लोकस ऑफ कॉजलिटी डायमेंशन इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट टू इमोशनल रिएक्शन। ये जो कंसेप्ट है, ये जो डायमेंशन है, वो इमोशनल है, क्योंकि हम सोचते हैं, वो उसको इमोशनली सोचते हैं कि अरे हमसे गलती हुई, मुझी में क्षमता नहीं थी, इसीलिए मैं टॉप नहीं कर पाया, इस तरीके का। ओके, फिर लोकस ऑफ स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी डायमेंशन क्या है, कॉजल एट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो भी कैटेगराइज्ड अलोंग दी स्टेबिलिटी डायमेंशन। स्टेबिलिटी डायमेंशन के अलोंग भी आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे stable causes are those that tend to influence outcomes and behaviors consistently over time and across situations, yani ki jo स्थिर कारक होते हैं वो टाइम और मतलब कंसिस्टेंट होते हैं ना, मतलब आज भी वही होगा, बाद में भी वही होगा, स्टेबल है। जैसे कौन कौन से स्टेबल कॉजेज हो सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस, अगर आप बुद्धिमान आज हैं तो आप कल भी बुद्धिमान रहेंगे, बुद्धिमत्ता इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होती, बल्कि बहुत कम परिवर्तित होती है। एंड फिजिकल और गवर्नमेंट लॉज, अगर फिजिकल लॉज है वो परिवर्तित नहीं होगा, गवर्नमेंट लॉज भी जनरली रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, ठीक। और अनस्टेबल कॉजल फैक्टर्स, मतलब कि अगर वो घटना अनस्टेबल कॉजल फैक्टर्स के नियंत्रण में है तो वो स्टेबल नहीं होगी, यानी कि आज हो गई है, जरूरी नहीं है कल हो, है ना। तो अनस्टेबल कॉजल फैक्टर्स सच एज द अमाउंट ऑफ एफर्ट एक्सर्टेड टुवर्ड अ टास्क आर कंपैरेटिवली इजी टू चेंज, यानी कि आज हमने कम एफर्ट लगाया तो हम सोच लेंगे अगली बार हम ज्यादा एफर्ट लगा लेंगे। अनलाइक द लोकस ऑफ कॉजलिटी डायमेंशन विच प्राइमरली इन्फ्लुएंसेस इमोशनल रिएक्शंस टू इवेंट्स एंड बिहेवियर्स, द स्टेबिलिटी डायमेंशन इफेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि अनलाइक मतलब असमान है किसके, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, पीछे क्या डिस्कस किया, लोकस ऑफ कॉजलिटी। तो लोकस ऑफ कॉजलिटी जो है डायमेंशन, वो हमारे इमोशनल रिएक्शन से लेना देना है उसका, कि हम कैसा सोच रहे हैं, जबकि स्टेबिलिटी डायमेंशन का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि आज हुआ है कल होगा कि नहीं, क्यों होगा कल, अगर स्टेबल फैक्टर उसके पीछे इन्वॉल्व है तो होगा, अगर अनस्टेबल फैक्टर है तो जरूरी नहीं कि हो, ना हो, नहीं होना ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इट रिफर्स टू वेदर द बिहेवियर विल हैपन अगेन इन फ्यूचर, इसका लेना देना किससे है कि वो व्यवहार आगे भविष्य में होगा कि नहीं। ओके, तो दो डायमेंशन हो गए, लोकस ऑफ कॉजलिटी और स्टेबिलिटी। तीसरा डायमेंशन है कंट्रोलेबिलिटी, इट डील्स विद द कॉजेज वन कैन कंट्रोल, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं कि नहीं, जैसे स्किल है हम नियंत्रित कर सकते हैं उसको, इफिकेसी है फ्रॉम कॉजेज, और
वो जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, सच इज एप्टीट्यूड, हमारे में एप्टीट्यूड ही नहीं है, मूड अच्छा नहीं था, या दूसरे के काम से आपका काम प्रभावित हुआ हो, या लक फैक्टर हो, तो ये सब अनकंट्रोलेबल है. तो इट रिफर्स टू वेदर समवन इज एबल टू चेंज द आउटकम ऑफ एन इवेंट बाई एक्सपेंडिंग मोर एफर्ट. यानी कि इसका लेना देना उससे है कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या उस आउटकम को चेंज कर सकता है और एफर्ट लगा के. मतलब अगर कंट्रोल फैक्टर के अंडर में वो इवेंट है तो हम और एफर्ट लगा के चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर अनकंट्रोलेबल है तो आप जितना भी एफर्ट लगाएं लक नहीं चेंज कर सकते, दूसरे का काम नहीं चेंज कर सकते, ये बात है. तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित होता है हम लगभग उसको इन तीन डायमेंशंस के तहत उसका कॉज ढूंढते हैं, और हमारा सारा लेना देना इससे है कि हमारी सेल्फ इमेज अच्छी बनी रहे. जैसे इसको भी पढ़ लेते हैं तब देखते हैं. दिस थ्योरी प्रपोज थ्री फैक्टर्स पीपल विल यूज टू एक्सप्लेन द रिजल्ट दैट इज सक्सेस और फेलियर. यानी कि मोटिवेशन का किससे लेना देना है? अगर आप मोटिवेटेड होंगे तो सक्सेसफुल होंगे, अगर अनमोटिवेटेड या डीमोटिवेटेड होंगे तो फेलियर आपको मिलेगा. तो हम अगर सफल होते हैं या असफल होते हैं तो हम तीन तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, उसके कॉज ढूंढते हैं. पहली बात हम कहते हैं अच्छा ये लोकस ऑफ कॉजैलिटी होना चाहिए यहाँ पे, या यहाँ कंट्रोलेबिलिटी कह दीजिए. ये कहिए या तो जो वो चीज़ है वो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है, या वो स्टेबल नहीं थी, या मतलब कि उसका जो मतलब उसका कारण हमारे नियंत्रण में नहीं था, वो स्टेबल नहीं थी और वो कंट्रोलेबल नहीं था. तो डिफरेंट फैक्टर्स विल कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन. यानी कि जो विभिन्न कारक हैं वो अलग अलग तरीके से हमको मोटिवेट करते हैं. दस दिस थ्योरी इज कॉल्ड द एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. इसीलिए इसको प्रेरणा का गुण सिद्धांत कहा जाता है. अब आप इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखिए तो आप समझेंगे. जैसे ये कह रहा है एप्लीकेबिलिटी इन एजुकेशन, एट्रीब्यूशन थ्योरी इज प्रोबेबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी विच इम्प्लीकेशंस विद इम्प्लीकेशंस फॉर एकेडमिक और अचीवमेंट मोटिवेशन. यानी कि आप अपनी शैक्षिक अभिप्रेरणा के लिए या उपलब्धि की अभिप्रेरणा के लिए इसके बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस है. कैसे? इट आइडेंटिफाइज द रीजंस गिवन बाय परफॉर्मर्स टू एक्सप्लेन सक्सेस एंड फेलियर. ये उन कारणों को सुनिश्चित करता है जिसकी वजह से जो परफॉर्मर है वो हम अपनी जिंदगी में परफॉर्मर इंडिविजुअल आपका स्टूडेंट परफॉर्मर है वो सक्सेस और फेलियर को कैसे एक्सप्लेन करता है. जैसे इट एम्फेसाइजेस द आइडिया दैट लर्नर्स आर स्ट्रांगली मोटिवेटेड बाय द प्लीजेंट आउटकम ऑफ बीइंग एबल टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स. ये सबसे खास बात निकल के आई कि जो लर्नर है वो स्ट्रांगली मोटिवेटेड होता है कि अगर प्लीजेंट आउटकम निकल के आया तो वो अपने बारे में अच्छा फील कर सके. जैसे मान लीजिए उसने टॉप किया तो वो कहेगा कि इंटरनली जो ये लोकस ऑफ कॉजलिटी थी ना, जो इंटरनली इंटरनैलिटी और एक्सटर्नैलिटी की बात करता है, तो वो कहता है वो उसने ज़्यादा एफर्ट लगाया, उसने ज़्यादा एबिलिटी उसमें है, उसने बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत की, हार्डवर्क किया, इसलिए उसने टॉप किया है. ना कि एक्सटर्नल कंट्रोल कि टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, उसको रिसोर्स बहुत अच्छा मिला, उसको मटेरियल बहुत अच्छा मिला. समझ में आया? इसी तरह से अगर वो फेल होगा तो वो कहेगा कि उस तो वो इंटरनल कंट्रोल की बात नहीं करेगा, तो वो किसकी बात करेगा? एक्सटर्नल. वो कहेगा कि लक ही खराब था मेरा, या टीचर ने ही अच्छा नहीं पढ़ाया, या क्लासेस नहीं हुई, या कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ. तो उससे उसकी सेल्फ इमेज नहीं खराब हो रही है. देखिए हम मतलब कहने का मतलब है कि हम घटनाओं का इंटरप्रिटेशन इस तरह से करते हैं कि हमारी सेल्फ इमेज पॉजिटिव बनी रहे. तो एज अ टीचर हमको बच्चे को क्या सिखाना है? हमको सिखाना है कि इंटरनल आपका किसी भी घटना पे नियंत्रण हो सकता है, आप अपनी एबिलिटी बढ़ा दीजिए, क्यों लक के चक्कर में, आप अपना एफर्ट बढ़ा दीजिए. समझ में आ रही बात? तो ये हो गया themselves. It incorporates cognitive theory and self-efficacy theory in the sense that it emphasizes that learners' current self-perceptions will strongly influence how they will interpret the success or failure of their current efforts and hence their future tendency to perform these same behaviors. यानी कि cognitive theory इसमें involve है, इसमें self-efficacy theory involve है. आपको पता है self-efficacy theory किसने दी? बंडूरा की है, जिसमें हम अपने बारे में अच्छा concept रखते हैं. तो हमारा जो self-perception है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो ये बहुत influence करता है, हमको प्रभावित करता है कि हम सक्सेस और फेलियर को कैसे इंटरप्रेट करेंगे. अगर हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम कहेंगे कि यस हमारे में कैपेबिलिटी है, लेकिन हमने थोड़ा सा कम एफर्ट किया, अगली बार हम और एफर्ट करेंगे तो हम टॉप कर सकते हैं. या और अगर आपकी सेल्फ एफिकेसी खराब है तो आप कभी आप हमेशा लक, बैड इफेक्ट, बैड वेदर, बैड टीचिंग सिचुएशन, इनको जिम्मेदार मानेंगे अपने फेलियर के लिए. तो ये जो थ्योरी है वो सेल्फ कंसेप्ट और अचीवमेंट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बताती है. तो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि एज अ टीचर हमको अपने स्टूडेंट का सेल्फ कंसेप्ट बढ़िया करना चाहिए. जितना बढ़िया वो अपने बारे में सोचेगा उतना ही उसकी अचीवमेंट का ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा. ठीक है,
Fear an important assumption of attribution theories that people will interpret their environment in such a way as to maintain a positive self-image. ये बात हो गई. That is, they will attribute their successes or failures to factors that will enable them to feel as good as possible about themselves. यहाँ तक ठीक है. In general, this means that when learners succeed at an academic task, जब जो आपका सीखने वाला है विद्यार्थी है वो किसी टास्क में सफल होता है, दे आर लाइकली टू वॉन्ट टू एट्रीब्यूट दिस सक्सेस टू देयर एफर्ट्स और एबिलिटीज. तो हम कहते हैं हमारे में योग्यता है इसलिए हमने ये पाया. बट व्हेन दे फेल दे विल वॉन्ट टू एट्रीब्यूट देयर फेलियर टू फैक्टर्स ओवर विच दे हैव नो कंट्रोल. और जब फेल हो जाते हैं तो कहते हैं कि वो गड़बड़ था जिसमें हमारा नियंत्रण ही नहीं है, अब हम क्या अपना लक भी सुधार सकते हैं. इस तरीके की बातें करता है. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी एज इट अप्लाइज टू मोटिवेशन इज दैट ए पर्सन्स ओन परसेप्शंस और एट्रीब्यूशंस फॉर सक्सेस और फेलियर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एफर्ट द पर्सन विल एक्सपेंड ऑन दैट एक्टिविटी इन द फ्यूचर. तो इम्प्लीकेशन क्या हुआ इसका? इम्प्लीकेशन ये हुआ कि जब एक व्यक्ति का अपने मतलब ओन परसेप्शन और एट्रीब्यूशन जो सक्सेस और फेलियर के लिए उसका अपना सोचना है वही ये सुनिश्चित करता है कि वो अमाउंट फ्यूचर में कितना एफर्ट लगाएगा उस एक्टिविटी में. जैसे अगर वो ये सोचता है कि मेरी कमी से मैं हारा तो एफर्ट लगाएगा. अगर उसको ये सोचना ही नहीं है कि मेरी कमी से हारा तो वो कहेगा कि मैं अपनी कमी से थोड़ी हारा, मैं तो बैड फैक्टर की कमी से या लक खराब था इसलिए हारा, तो वो कभी एफर्ट नहीं लगाएगा. कहने का मतलब ये ठीक है. और तो ये कहते हैं कि अचीवमेंट के लिए चार फैक्टर रिलेटेड हैं, चार फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं. देयर आर फोर फैक्टर्स रिलेटेड टू एट्रीब्यूशन थ्योरी दैट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन इन एजुकेशन. यानी कि अगर हम अभिप्रेरित रहना चाहते हैं तो चार फैक्टर इन्होंने पाया कि जरूरी है. कौन कौन से? एबिलिटी, हमारे में कितनी योग्यता है. टास्क डिफिकल्टी, जो टास्क था वो आसान है कि सरल है. एफर्ट, हमने कितना प्रयास किया. और लक, हमारे भाग्य ने कितना साथ दिया. तो एबिलिटी क्या है? रिलेटिवली इंटरनल है और स्टेबल है फैक्टर. देखिए इंटरनल है यानी कि ये लोकस ऑफ कॉजलिटी से आया, स्टेबल फैक्टर है तो ये स्टेबिलिटी डायमेंशन से आया. एंड द लर्नर डज नॉट एक्सरसाइज मच डायरेक्ट कंट्रोल. और चूंकि इस पर हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है क्योंकि हम एबल हैं तो है, नहीं है तो नहीं है. ठीक. फिर टास्क डिफिकल्टी, ये क्या है? एक्सटर्नल है क्योंकि टास्क तो हमने सेट नहीं किया है कितना कठिन था कितना आसान था. और ये लगभग स्टेबल फैक्टर है और ये लार्जली बियॉन्ड द लर्नर्स कंट्रोल है. हमने तो अपना सिलेबस बनाया नहीं है तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर है. एफर्ट, एफर्ट इंटरनल है लेकिन ये अनस्टेबल फैक्टर है. देखिए एबिलिटी भी इंटरनल है लेकिन वो स्टेबल फैक्टर है. हम आज योग्य हैं तो कल भी योग्य रहेंगे जनरली, लेकिन एफर्ट हो सकता है हम बहुत योग्य, हमने आज नहीं लगाया लेकिन कल लगा सकते हैं. ओवर विच द लर्नर कैन एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल, यानी हमारे एफर्ट पे हमारा कंट्रोल है. और लक, ये एक्सटर्नल भी है और अनस्टेबल भी है. देखिए एबिलिटी इंटरनल स्टेबल है, टास्क एक्सटर्नल स्टेबल है, पर एफर्ट जो है वो इंटरनल है अनस्टेबल है. और लक एक्सटर्नल भी है अनस्टेबल भी है, यानी कि वो बाहर है हमारा उसे कोई मतलब नहीं है. अनस्टेबल भी है, वो अनिश्चित भी है, हो सकता है आज साथ ना दे कल साथ दे देगा. और हम पे उसका कोई कंट्रोल भी नहीं है, मतलब हम अपने लक को नियंत्रित नहीं कर सकते. तो ये चार तरीके से हम अपने मोटिवेशन मतलब एकेडमिक अचीवमेंट के लिए हम मोटिवेटर होते हैं, जिसमें से एफर्ट और एबिलिटी इंटरनल फैक्टर है, टास्क डिफिकल्टी और लक एक्सटर्नल फैक्टर है. एक्सटर्नल फैक्टर को एनवायरमेंटल फैक्टर भी कहते हैं. इट शोज अ स्ट्रॉन्ग लिंक्स बिटवीन मोटिवेशन एट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन. तो इस थ्योरी ने हमको बताया कि ये जो हम कॉजल एट्रीब्यूशन लगाते हैं यानी घटनाओं के पीछे का कारण क्या इन्फ्लुएंस लगाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, वो डायरेक्ट लिंक है उसका, वो सीधा जुड़ता है जाके हमारी उपलब्धि अभिप्रेरणा से कि हम अभिप्रेरित होंगे कि नहीं. तो ये है इस थ्योरी का हिसाब किताब और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. सवाल पूछे जाते हैं इस पे, अचीवमेंट मोटिवेशन तो खैर मैकली लैंड हो जाती है. ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन एट्रीब्यूशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, या वो पूछता है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉजल एट्रीब्यूशन एंड मोटिवेशन. तो ये सवाल अब आप हल कर सकते हैं. आई थिंक पढ़िए, याद करिए, समझिए, दो चार छह बार सुनने समझने पढ़ने से चीजें समझ में आती हैं. ठीक है. सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस लास्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन टू, एंड इन दिस वे द टॉपिक ऑफ मोटिवेशन हैज बीन कंप्लीटेड नाउ. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माय साइड.